अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल हैं? ठीक हैं आप सबके? मैं भी ठीक हूँ। मैंने अभी एक व्लॉग ख़त्म किया एसएमआर चैनल के लिए। मैं इतनी लेज़ी हुई हूँ, इसी जगह पे बैठ के दूसरा व्लॉग शुरू करी। मैंने कहा चल इधर से आपको नज़ारा करवा देती हूँ अपनी छत का। यहाँ ये मड सेक्शन है, वो वाइट सेक्शन है, वो मेरा रेड सेक्शन है, ये ब्लैक, वो उधर ब्लैक है, और ये ग्रिटी मिक्स वाला, ठीक है। और ये मेरा ग्रिटी मड पड़ी हुई है। ये पीछे जो है एक टप्पड़, ये गाची है, वो उससे पीछे ज़ीरो सा स्टोन है। और यहाँ बाहर ढोल बज रहा है। चलिए मैं इसी टेक्सचर की थोड़ी ब्लॉग में क्रमलिंग की थी, मैं अब इस टब में थोड़ी सी करती हूँ क्रमलिंग, ठीक है। मोबाइल हम लगाते हैं स्टैंड पे, ये करते हैं इसकी क्रमलिंग। एक ये कर लेते हैं, टेक्सचर अच्छी तरह ड्राई हो ना, इनकी क्रमलिंग भी बड़ी अच्छी होती है। सेफ़त कह रही थी आपने चैनल छोड़ने की बात नहीं करनी, हमें आपकी आदत हो गई हुई है। रबाब भी अभी कह रही थी, अनिला कितनी सारी सुना। ये मैं अभी ये बात जहन में अचानक आई, मैं वहाँ बात कर रही थी, अचानक अजाना भी लगी, बात भूल गई। तो मैं बताऊँ, मैं चैनल छोड़ने नहीं वाली। मैंने मतलब वैसे ही एक बात की थी कि मैं हफ्ते से मैं ये सोच रही थी कि हफ्ते में एक दिन व्लॉग बनाया करूँ, तो बाकी बस जैसे पहले वीडियो बनाती थी वैसे बनाती रहूँ। लेकिन मेरी कई सब्सक्राइबर कह रही थी मैं तो नींद नहीं आती आपका व्लॉग देखे बगैर। और एक और थी, इनका क्या नाम था, वो कह रही थी मैं इंतज़ार करती रहती हूँ कब आपका व्लॉग आया, लोग सैरी के बाद लेट सोते हैं और मैं आपका व्लॉग देखती हूँ। और एक और कह रही थी जैसे रमज़ान में सैरी इफ्तारी फ़र्ज है, ऐसे ही मुझे आपका व्लॉग देखना फ़र्ज है। चलेंगे, सब आपका प्यार है, बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने का। और मुझे भी आप लोगों का प्यार लेने की आदत हो गई हुई है। और ये कल जो मड क्रमलिंग की थी, जिसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, इसके वो ये जो स्लैबी पूरी ड्राई नहीं थी, अभी ये तो कुछ ड्राई है, इसकी मैं थोड़ी क्रमलिंग करती हूँ। थोड़ी सी और लेते हैं, काफ़ी मज़ेदार बनी हुई है। चलो उठ के मैं लेती हूँ एक दफ़ा। अम्मा को बाथरूम में लगी थी, ये देख कल भी बना, कल नहीं परसों ही बनाई थी, कल वैसे थोड़ी गीली थी और आज ये सूख भी चुकी है। गर्मियों का ये फ़ायदा, मड जल्दी सूख जाती है। लेकिन अगर स्लैब की सूरत में, टब की सूरत में नहीं जल्दी सूखती।
चलें ये थोड़ी डिफरेंट है, इसको भी करते हैं। अब देखें अलग अलग मेरे पास ज़्यादा सारी मर्ड है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की। ये ना मैं इतनी मर्ड क्रमलिंग करती हूँ तो आप लोग बोर ही हो जाओ, क्या हर वक्त मर्ड क्रमलिंग। वैसे आप होते नहीं, आप लोगों को पसंद है शुरू से, अगर जिस दिन हो मुझे बता देना आप लोग। थोड़ी सी अंदर से डैम है ये, इसलिए ना थोड़ी हार्ड लग रही है। हार्ड नहीं है, डैम की वजह से ना मुश्किल से क्रम्बल हो रही है। चलिए थोड़ी गाची भी हम चेक करते हैं वो कैसी हुई है, इसके अंदर कर लेते हैं। ये भी ज़बरदस्त हो गई है। कल इंशाल्लाह कल मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी सुबह सुबह। अच्छा एक और थी, उनका नाम नहीं मुझे याद, तो कह रही थी आपने मुझे बताना है कि आप ये कैसे खुद बनाती हैं, कैसे आपने टेक्सचर बनाया। तो मैंने उनसे कहा था ठीक है मैं ब्लॉग में बताऊंगी, तो अगर आप ब्लॉग देख रही हैं तो ये ना ये सैंड और सीमेंट, सैंड को तो आप जानती हैं ना जो रेत होती है घर वगैरह बनाने के लिए, और सीमेंट जो उसको मजबूत करने के लिए भी शॉप से ही मिलती है। तो ये आप ट्यूटोरियल देखें ना, इतनी आसान है बनाना, कोई मसला नहीं होता। जैसे ये आप लगा लेंगे एक बॉल है ना, ये वाला डिब्बा जो एक सैंड का है ना, तो इसमें हमें इतनी सी डालनी है थोड़ी सी, बल्कि अगर फ्रेश है सीमेंट तो इसको बना के रख लें, वैसे इसकी शेप बना के उल्टा हो जाए, एक दो दिन तक ड्राई हो जाएगी, इसको क्रम्बल कर लें आहिस्ता आहिस्ता। जब मुझे खुद नहीं था आता कुछ भी, आहिस्ता आहिस्ता जब बंदा इस फील्ड में आता है ना, इसने चाहे जो भी फील्ड हो ना, आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हो जाता है कैसे बनाते हैं कैसे करते हैं। तेरे जाने होने लगी हैं वो लोग, थोड़ी देर रोकती हूँ।
ये काफ़ी अच्छी हो गई है ग्रेडेड। अच्छा मुझे याद आया, देखिए मेरा हाल, ये बात शायद पिछले व्लॉग में आप लोग पूछोगे वाइट टेक्सचर में क्या डाला है, और मैं कह रही हूँ ये मेरा टेक्सचर नहीं है। मुझे याद है जो आप वाइट टेक्सचर है, जो वाइट डर्ट है आप उसका पूछ रहे हैं जो ख़ुद बनाई है मैंने, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब ऊपर आते इतनी धूप थी दिमाग ही लॉ होता है मुझे, अब अचानक से मैं आप क्योंकि यही क्वेश्चन है आपने पूछा, इसमें कैरिशा बासी पूछ रही थी, उसके अलावा दो तीन और थे कमेंट्स के, आपने इसमें क्या डाला है। अगर डर्ट वाला पूछ रहे हैं तो फिर उसका मैं ट्यूटोरियल दूंगी इंशाल्लाह जल्दी। कितनी बड़ी ब्लॉग करूँगा मैं, वैसे मैंने कहा कि मैंने बनाई इसका रिजल्ट कितना ज़बरदस्त निकला प्लांट मकान, और फिर साथ कह रही हूँ मेरे पास नहीं है, क्योंकि वाइट टैक्स दो मैंने उस दिन क्रम्बल किया था, मुझे नहीं था पता आप किसके बारे में, अचानक मेरे जहन में आया है कि आप किसके बारे में पूछ रहे होंगे। चले यहाँ भी है ग्रेडेड, इसको हम पानी में क्रम्बल करते हैं, वाटर क्रम्बलिंग इसकी कर लेते हैं। जी थोड़ा इसको इसी के अंदर ऐड कर देते हैं।
चलो चलो हैंड देखें कोई ऐसा टेक्सचर लूँगी जो ज़रा ब्लैक ब्लैक हो, उसकी फिर क्रम्बलिंग करती हूँ मैं थोड़ी सी। थोड़ा सा ग्रिटी टेक्सचर, इसको देखते हैं। वो ब्लैक नहीं येलो को मैं करने लगी थी मैंने उसका, फिर चले वो स्लैब के पास जाते हैं। अच्छा पूजा यार कह रही थी कि इसकी क्रम नहीं, पता नहीं क्या कुछ कह रही थी इसके बारे में, इस स्लैब के बारे में। हाँ